हाय फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हाईटेक कृष्णा में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था NVHP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी वेबसाइट से न्यू वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करना है, तो आप इस वीडियो को अभी लास्ट तक जरूर देखें। आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है NVHP और सर्च करना है। आपके सामने NVHP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम टाइप करना है, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है और कैप्चा फिल करना है। लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप इस वेबसाइट पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ चुकी है। आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब हम फिर से होम पेज पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है फॉर्म्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। आपको सबसे ऊपर है फॉर्म 6, उस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने फॉर्म 6 ओपन होकर आ चुके हैं। चलिए इस फॉर्म को पूरी तरह से देख लेते हैं। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर जिन ऑप्शंस के सामने रेड स्टार लगा हुआ है उन सबको भरना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे विधानसभा सेलेक्ट कर लेना है। आप न्यू वोटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप करना है इंग्लिश में। यहाँ पर अपने नाम को अपने रीजनल लैंग्वेज में टाइप करना है, अपनी मातृभाषा में। यहाँ पर लास्ट नेम टाइप करेंगे। यहाँ पे अपने रिलेटिव का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पे रिलेटिव का लास्ट नेम टाइप करेंगे। यहाँ पे आप रिलेटिव के साथ क्या संबंध है, वो आपके क्या लगते हैं, उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप करना है। यहाँ पर आपको हाउस नंबर टाइप करना है और आपका जो पूरा एड्रेस है उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस टाइप करना है, कहाँ पे आप पिन कोड टाइप करना है उसी का यहाँ पे आप हिंदी में टाइप करेंगे। आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है उपयुक्त के समान, उस पर टिक करना है। टिक करने से आपकी डिटेल्स अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगी।
आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अब यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसका फाइल साइज 5 MB तक का ही अपलोड करना है। आपको यहाँ सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है। आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो जहाँ पर भी है वहाँ से उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर एज प्रूफ है, आयु प्रमाण पत्र। आपको यहाँ दस्तावेज के प्रकार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आपको जो भी अपलोड करना है उसे सिलेक्ट करना है। और चूज फाइल पर क्लिक करके फोटोकॉपी अपलोड कर देना है। यहाँ पर आता है पता प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको दस्तावेज के प्रकार पर सिलेक्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ चुके की है, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक। आप इनमें से किसी को भी अपलोड यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। तो आप उसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम फिल करना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट डालना है। अब पहली बार वोटर आईडी में अपना नाम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको इस ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्थान फिल करना है, यहाँ पे डेट ऑलरेडी फिल है। आप देख सकते हैं मैंने इस फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर लिया है। आपको इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसे पूरी तरह से एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या गलत है। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है उसे सही से अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आपके सामने जो रेफरेंस नंबर आ रहा है आपको उसे कॉपी करके रख लेना है जिससे आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आपको फिर से होम पेज पर आना है और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी डालनी है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। आपके सामने आपका डिटेल्स आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद।